स्वर्ग मित्रों के बीच जीने का नाम, नर्क शत्रुओं के बीच जीने का नाम, और सब तुम पे निर्भर। टाइम हो गया है लगभग, क्या टाइम बज रहा देखता हूँ, 9 बज गया, 80 किलोमीटर और है। मज़ा आ रहा है, ऐसे कोई सफ़र अच्छा ही रहा। हम थोड़ी देर यहाँ रुके हैं चुपतड़ सीधा करने और फिर आगे बढ़ें। नॉर्मल पानी दे दो, नॉर्मल। हाँ तो यार अभी बड़ा जोर का एक्सीडेंट होते थे बच्चा, एक अंकल थे, अंकल क्या मतलब था 30 साल का, और उसके पीछे दो बच्चे अपने बिठा रखे छोटे छोटे विदाउट हेलमेट तीनों, और उन्होंने एक का आखिर कट में टर्न ले लिया। अभी क्या है कि ना हाईवे, इस हाईवे पे मार्केट भी आती है तो ये, और ये है ना 60 पे भी बाइक रुकती नहीं है, हालांकि मैं 80 पे था तो मैं आराम से चलूँगा।
एटलीस्ट एक तो रूल फॉलो करता रहे पूरा, कि कहीं ना कहीं अगर दोनों जने रूल फॉलो करते रहेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे। बड़ा गंदा चलाते हैं लोग, ऐसे घूम जाते हैं मोटरसाइकिल लेके, ब्लॉग बनाते हैं क्या भाई? अरे इतनी भी एक अंकल था ऐसे घूम गया तुरंत ही, 60 पे भी वो बंदा रुक नहीं पाएगा इतनी जल्दी, और दो छोटे बच्चे बिठा रखे बिना हेलमेट बिना कुछ, अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं करते। पता नहीं किस्मत ही हाथ पे लगा और बच गया। मुझे भी ये लगा रखते, ब्लॉग बनाते हैं आप? हाँ ब्लॉग बनाते हैं। क्या नाम से है? मेरा नाम है हीट ऑफ वेलकैनो। नीट ऑफ हीट, हीट 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 का मतलब गर्मी, वेलकैनो का मतलब ज्वालामुखी। बोल दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना, आवाज कम। ये कौन सी बजा रहे ये भाई? डालिए अभी आ जाएगा। ये है भाई रिकॉर्डिंग, हालांकि मैं कर ही रहा था। अच्छा। हरियाणा गाड़ी देखे ना तभी हम समझ गए। नहीं, घर तो हमारा ही यार, घर हमारा ये है सुल्तानपुर लंबुआ। अच्छा अच्छा, लंबुआ जानते हैं भाई, गए। हाँ फेमस जगह भैया। ये भाई सब्सक्राइब करने का मन हो तो करना, हमने नहीं किया है। बरसात यहाँ परसों ही थी। यहाँ ओले पड़े थे वैसे, ओले नहीं पड़े थे, पानी गिरा। गेहूँ थोड़ी बर्बादी हुई है या नहीं, या ज़्यादा असर पड़ा? अभी बर्बाद नहीं हुआ, जो लाइफ उसमें होती थी वो खत्म हो जाएगी। क्या होता था? गेहूँ जैसे धुला धुला हो जाता है। अच्छा, बरसात तो वैसे नहीं हुआ। वो तो आ चुका होगा ना फल, तो आज मतलब गेहूँ तो फल आ गया है। कटने कब टाइम आएगा? अगर बारिश ना होती तो शुरू हो जाता। अब ये मान लो एक हफ्ता के लिए प्रिपेयर हो गया, आगे चला गया। यहाँ इतने फसलों पर असर नहीं पड़ा है, इधर ओले पड़े हरियाणा साइड में। बोलूँगा लोग मानेंगे नहीं, हकीकत में इतनी पोल्यूशन हो रखी है उधर, वहाँ पे एयर की डेंसिटी ज़्यादा हो रखी है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि पानी जो आपका, जो आपका पानी जो वेपर होता है भाप होती है, वो उन पे जमने लगता है धीरे धीरे ओवर द पीरियड, और उस पर और मिट्टियाँ और धूल कर चिपकने लगते हैं, और वो छोटा सा मिनी सा पत्थर बना देते हैं, और उसके ऊपर पानी पड़ पड़ के ठंडा होता रहता है। हाइट पर टेम्परेचर कम होता है, पानी जम जाता है, वेपर जम जाती है, और वो ओला बनने लगता है और वो गिरने लगते हैं। इतना ख़राब हालत है, जितनी पोल्यूटेड जगह होगी उतना ही ओला गिरते हैं, हालांकि ओला कहीं भी गिर सकता है वैसे, बट एक ये गुड़गांव में गिरने का इस टाइम बहुत मतलब NCR के आसपास इलाकों में है रीज़न है, यहाँ भी उतना नहीं है।
मुझे थार बहुत महंगी लग रही है इसके कंपैरिजन में। इसका तो 3000 का तेल हुआ टोटल। ₹1250 का मैंने डलवाया था दिल गुड़गांव से निकलते हुए, फिर वहां से पहुंचा वो कार्बेट, कार्बेट में फिर मैंने डलाया 850 का, अब दोबारा डलाऊंगा। 850 का सिर्फ डलाया था, यही तो बता रहा हूँ। अरे टंकी फुल हो गई थी 850 में, छलकने लगी थी। जब मैंने 850 का डला तब तक टंकी फुल हो गई, तो मेरे मैं 1000 का डलवा रहा था बट 850 का ही पेट्रोल आया, भरवाया मैंने वहीं जहाँ से रुका हुआ था अमनगढ़ से। भैया 500 का डाल दो, 700 का डाल दो। हाँ हाँ पहुँच गया, जो भी है मतलब। थार तो मैं इसुजू का सोच रहा हूँ कि 8000 एक साइड का। ऐसे लगा है ऐसा, जो ये लगा के वही रहा है। हेलमेट वाला ले जाया तू, अपन देखा जाए करियो हो खड़ी करे पड़े किस मेन गेट बंद करे है। कहां बंद रोड गाय रहे को भी लेने जाए। जा तू गाड़ी खड़ी कर लाख मैं को का ये ऊपर ना बिल्कुल सही है हमारे जाए के बाद बदलो लेने में चुन्नू मन की लाग डाढ़ी ना बनवाया। अरे यार इतना खराब आता है ना ही आवाज करता हूँ ठीक करा पूरा चल।